मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा में 8 मई को यानी कल सोमवार को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा आयोजित होने जा रहे 20वें पुण्य समारोह पार्ट 2 में सामूहिक विवाह कन्यादान समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसको लेकर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने एक बैठक का भी आयोजन किया है। 20वां पुण्य विवाह समारोह 8 मई दिन सोमवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सौजन्य से कमलेश लोधी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। 20वां पुण्य विवाह समारोह 8 मई दिन सोमवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सौजन्य से शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बरखेरा, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। 20वां पुण्य विवाह समारोह 8 मई दिन सोमवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सौजन्य से अजय नायक, छिरारी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि 20वें पुण्य विवाह समारोह एवं निकाय सम्मेलन में अब पार्ट 2 में 1200 से अधिक जोड़ों की इस बार शाही शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि वर वधु को पहनने के लिए कपड़े और वधु के लिए श्रृंगार दिया जाएगा, साथ ही बरातियों का स्वागत मिर्चवानी से किया जाएगा और वेदी, मंडप, बरमाला, भोजन और अन्य चीजों की तमाम व्यवस्थाएं तंदुरुस्त हो चुकी हैं। जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। फिलहाल कल 9 बजे से गढ़ाकोटा में एक बार फिर 1200 से अधिक कन्याओं के हाथ पीले होंगे और सहनाई से गढ़ाकोटा की धरती फिर गूंजेगी। नीलेश दुबे, खबर एक्सप्रेस न्यूज, गढ़ाकोटा। 20वां पुण्य विवाह समारोह 8 मई दिन सोमवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सौजन्य से नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। 20वां पुण्य विवाह समारोह 8 मई दिन सोमवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सौजन्य से शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बरखेरा, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। 20वां पुण्य विवाह समारोह 8 मई दिन सोमवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सौजन्य से कमलेश लोधी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश।